मौसम चेंज जब भी होता है दोस्तों, तो चिकन पॉक्स बहुत तेज़ी से फैल जाता है। तो दोस्तों आपके आसपास में अगर चिकन पॉक्स फैला हुआ है और आपको डर ये है कि कहीं आपको ना हो जाए, तो दोस्तों चिकन पॉक्स से बचने के लिए मैं एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में बता देता हूं दोस्तों। इस दवा का प्रयोग अगर आप पहले से कर लेते हैं, इस दवा को पहले से खा लेते हैं, तो आपको चिकन पॉक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इस होम्योपैथिक दवा के बारे में मैं पूरी चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों, इस कंपनी का दवा यूज़ करना है दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा, और दवा को कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं डॉक्टर हरीश वर्मा, आप सभी लोग का हमारे आयुष होम्योपैथिक क्लिनिक गोंडा के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक संक्रमण टाइप की बीमारी है और ये किसी को भी हो सकता है। बच्चे इस केस में बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं, बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। ये अगर आपको हो जाता है, इसका इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है, तो 10-12 दिन बाद आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है, और 10-12 दिन में दोस्तों आपको बुखार बहुत ज़्यादा रहने लगता है, ठीक है। 2-3 दिन जैसे ही बीतेगा, आपके शरीर पे दाने सफ़ेद सफ़ेद पड़ने लगेंगे, और मुश्किल से 5-6 दिन बाद उन दानों में दोस्तों पानी भर जाता है और पीप में कन्वर्ट होने लगता है। तो 10-12 दिन में, 14 दिन में दोस्तों ये पीप धीरे धीरे करके सूखने लगता है, और दाने जहाँ पे होते हैं दोस्तों वो सूख जाता है। और ये दाने जो पड़ते हैं दोस्तों, इरप्शंस जो पड़ते हैं दोस्तों, ये अगर आपके थोड़ी थोड़ी दूरी पे अगर हैं तो आपको फीवर थोड़ा कम रहता है, लेकिन अगर ये 3-4 दाने सट के आपस में बहुत ज़्यादा निकल आए बॉडी पे, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं दोस्तों। आपके शरीर का टेम्परेचर दोस्तों लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच सकता है। उस कंडीशन में दोस्तों इसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इस दवा के बारे में जानकारी ले लेते हैं, इस दवा से दोस्तों हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो बैरियोलिनम दोस्तों उस पीप से दवा बनाई गई, तो बैरियोलिनम का हम आइए देख लेते हैं कि कितना डोज हमें यूज करना है। तो चेचक से बचने के लिए, चिकन पॉक्स से बचने के लिए दोस्तों, बचाव के लिए ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि अगर आपके यहाँ चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा फैला है, चेचक बहुत ज़्यादा फैला है, तो इस दवा का प्रयोग आप पहले से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दवा का नाम है वैरियोलिनम, 200 का पावर आपको लेना है दोस्तों। और प्रयोग कैसे करना है, 5 बूंद फैमिली के जितने भी मेम्बर हैं, 5 बूंद सभी लोगों को 2 दिन सुबह सुबह खाली पेट, अगर आप लिक्विड में दवा लेकर के आए हैं तो 5 बूंद आप ले लीजिए, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें 1 बूंद या 2 बूंद आप दे सकते हैं। 2 दिन आप सुबह सुबह दे दीजिए, और ऐसे कंडीशन से आप हमेशा के लिए बच जाते हैं। तो दवा का नाम आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बगल में मैंने चित्र लगा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको दवा लेने में कोई दिक्कत ना हो। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर दोस्तों ये दवा आपको आराम से मिल जाती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दवा ढूंढने में आराम से मिल जाए, ठीक है। अब कुछ लोग पूछते हैं किस कंपनी का दवा लेना है दोस्तों। अगर आपको डॉक्टर रेगबेक की दवा मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, WSI की मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, या फिर आपको SBL कंपनी आराम से मिल जाती है, ठीक है। तो बताए गए मेडिसिन को दोस्तों बताए गए डोज के अनुसार यूज़ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा चेचक फैला हुआ है या मौसम चेंज हो रहा है, तो आपको चेचक से बचने के लिए इस दवा का प्रयोग करना होता है, ठीक है। इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं दोस्तों। जिनको हो चुका है, ठीक है, जिनको हो चुका है बहुत ज़्यादा चेचक की समस्या है, उनके लिए दोस्तों मैं एक अलग मेरा वीडियो है, उसको मैं इंड स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, इधर आई बटन पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वहाँ से जा करके इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसमें मैंने पूरी मेडिसिन के बारे में बता दिया है, जैसे कि अगर आपको फीवर रहता है तो कौन सी दवा खानी चाहिए, आपको चेचक बहुत ज़्यादा निकल गया बॉडी पे उसको सुखाने के लिए कौन सी दवा खानी चाहिए, इन वीडियोज़ में दोस्तों हमने पूरा चीज़ आराम से बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में चेचक से बचने के लिए बैरियोलिनम मेडिसिन के बारे में था, इसको कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में था दोस्तों। इंड स्क्रीन में वीडियो लग गया है, जिनको समस्या हो चुका है वह लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और एक बात दोस्तों मैं आप लोगों से और कहूँगा कि आप लोग वीडियो देखने में खो जाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इधर रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन दिया गया है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। उसके लिए दोस्तों बेल आइकन को दबाना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अगर हमसे कोई वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं दोस्तों, या किसी डिजीज़ या किसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहते हैं, वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं हमसे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलेगा। कमेंट्स का रिप्लाई हम तुरंत करते हैं, और आपका वीडियो जो आप डिमांड करते हैं उसका वीडियो अगले दिन हम अपलोड कर देते हैं। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। आपके अपने जानने पहचानने वाले दोस्त यार नात रिश्तेदार हमारे इस वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मेडिसिन साथ। तब तक ले दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा न फैले, पॉलीथिन का उपयोग न कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बना रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।